पैर पे मारूंगा और ये मैंने उड़ा दिया। हारमानım baba nerede çarşafın gördüğüm bu paketler benim dermanım hoppa yavaşça açıldı fermanım sakın kaçma buraya gel la kezbanım। ए दोस्तों मैं हूँ जैक। तो दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल games.in। सो गाइज आज हम लोग ग्रैनी पार्ट 1 पार करेंगे बाई कार। सो गाइज आज मैं ना जा रहा हूँ ग्रैनी को वाट लगाने, ग्रैनी की जितनी भी खुफिया चीज़ है वो सब निकालने, आप लोगों को बताने और ये ग्रैनी को चकमा देके मैं कार से एस्केप हो जाऊँगा। ओए ग्रैनी किधर है, ओए ग्रैनी किधर है, मैं तेरी बैटरी लेके जा रहा हूँ। सो गाइज मैं बैटरी लेके जा रहा हूँ और ग्रैनी कार में लगाऊंगा और फिर बाद में भाग जाऊंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेगी मुझे। तो गाइज यहाँ पर कुछ मिल रहा है कि नहीं? अरे अरे यहाँ पर है कुछ सामान मुझे, लेकिन फटाफट भागना होगा कि ये ग्रैनी आ जाएगी। अरे ये तो गिर गया। तो गाइज ये सुन के ग्रैनी पहुँच जाएगी उधर। गाइज ये टनल बहुत ही खूंखार है, बहुत डरावना है और गाइज मुझे डर लग रहा है कि ग्रैनी अचानक से ना आ जाए मेरे सामने। ओए ग्रैनी किधर है? हाँ भैया, भैया जल्दी करो, भैया आपको कार के आगे लगाना होगा ये बैटरी, आगे आगे यहाँ खोलिए भैया, यहाँ पर बाजू में, हाँ यहीं पर। ओए मुन्ना तू टेंशन मत ले, मैंने पहले कार चला रखी है ओली के साथ। हाँ भैया ओली तो मेरी गर्लफ्रेंड है भैया, और आपने कैसे उसके साथ घूमा? मुन्ना तो टेंशन मत ले। हाँ भैया ठीक है, ठीक है ओली मुझे पसंद है भैया। ओए मुन्ना पहले इधर से तो निकल, फिर ओली के साथ जाना घूमने। हाँ भैया सही बोले। भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया? ओए ओ भैया ये आ रही है ग्रैनी, आ रही है भैया भागो। ओए ये क्या हो गया, ओए मार दी सर फोड़ दी मेरा। ओए ग्रैनी कितनी खूंखार है तू, मेरा सर फोड़ दी। हाँ दूसरा दिन है अभी, मुझे जल्दी से जल्दी चीज़ें लाके कार में रखनी होगी और कार की ढूंढनी पड़ेगी, इंजन ढूंढना पड़ेगा और पैडलॉक ढूंढना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे फटाफट ढूंढनी पड़ेगी। ओए ओए किधर है ग्रैनी? तो गाइस मुझे ग्रैनी से बच बच के रहना पड़ेगा और ग्रैनी से बच के मुझे सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। और ये ड्रावर खुल गया और ये मिल गया कटर, कटर मिल गया दोस्तों। अभी मैं कटर ऊपर रख के आ जाऊँगा, कटर ऐसी जगह रखूँगा कि इसको ग्रैनी को वापस ना मिले। तो गाइज ये ग्रैनी कभी भी कहीं पर भी जाके वो चीज़ हटा देती है। फॉर एग्जांपल मैं कटर यहाँ पर रखा तो कटर ये कहीं पर और रख देगी, और ग्रैनी बहुत खूंखार है दोस्तों, इसने पता नहीं क्या क्या अपने इस घर में कांड कर रखे हैं, सब मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। और ग्रैनी मैं तेरा दुश्मन हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो गाइज ये काट देते हैं, काट देते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी पार ना हो पाए इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो टंग 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 बढ़ता था और अभी भी बज रहा है दोस्तों, अभी भी बज रहा है, मुझे लगता था कि ये बजना बंद हो जाएगा। अभी मैं एक काम करता हूँ ऊपर रख के आ जाता हूँ। ग्रैनी ओ ग्रैनी देख ले मैं इधर आ गया और तू कुछ कर नहीं पाई। तो दोस्तों इसकी आवाज़ आ गई, अभी ग्रैनी पहुँचती होगी, मुझे फटाफट ये टनल से निकलना होगा। ओ ग्रैनी जल्दी आ जा, मुझे इधर से निकलना है। ग्रैनी ओ ग्रैनी तो दोस्तों आ गई ग्रैनी, मुझे जल्दी से जल्दी निकलना होगा इधर से, टनल से निकलना होगा। और फिर से आवाज़ आ गई, मैं बाथरूम में पहुंच गया। इसका बाथरूम कितना गंदा था दोस्तों, तो ग्रैनी पार्ट 1 में कैसे भी पार करके दिखाऊंगा। तुम्हारा भाई पहले भी पार कर चुका है ग्रैनी पार्ट 2 में, हेलीकॉप्टर स्केप कर दिया है, कार स्केप कर दिया और डोर स्केप कर दिया, मैंने सारा कर रखा है इसमें। और दोस्तों ये तो प्ले हाउस है, प्ले हाउस का की चाहिए मुझे। अभी मैं ये घंटी बजा के भागता हूँ ताकि ग्रैनी इस तरफ आए और मैं उस तरफ से भाग जाऊँ खिड़की से। ग्रैनी तेरे से मैं खतरनाक हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं ग्रैनी। और ग्रैनी तो दोस्तों अभी मैं सारे डोर्स खोल के देख लेता हूँ कि उधर सामान है कि नहीं, सारे सामान देख लूँ मैं। सामान सामान किधर है? ओए ये गन का पार्ट है, शॉटगन का पार्ट है, मुझे शॉटगन का पार्ट शॉटगन पे लगा के फिर जाना होगा ग्रैनी को शूट करने। ओए दोस्तों ये मकड़ी का चिकन है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मकड़ी का चिकन है, मकड़ी को खिलाओगे तभी आप मकड़ी के एरिया में जा पाओगे, नहीं तो मकड़ी आपको खा लेगी। ओए और यहाँ पर क्या लगा दिया इसने,
क्या लगा दिए, अभी फटाफट मुझे शॉटगन के एरिया में जाके रखना होगा। और दोस्तों ये टनल में घुसना है, अभी मुझे टनल में घुसना है, और अभी ये मैं सोच रहा हूँ आगे ही फेंक दूँ, बाद में जा रहा हूँ शॉटगन के पास और भी चीज़ कलेक्ट करके। तो दोस्तों वहाँ फेंक दिया मैंने, आवाज़ कर दिया है और ग्रैनी आती होगी, मुझे फटाफट जाना होगा और भी पार्ट्स कलेक्ट करने होंगे। ये सीढ़ी बहुत सारी सीढ़ी है, इसका तो पूरा बंगला है ग्रैनी का, और ग्रैनी बंगला बना के रखी और फिर मर गई। ओए मैं तेरे सारे राज निकालूंगा इधर से ग्रैनी। और दोस्तों ये अलग पार्ट है शॉटगन के, और यहाँ पर अलग उसने एरिया बनाया है। और ये खुल गया, और ये खुल गया। ओए ये क्या है, और ये टैडी बैर है, देखते हैं टैडी बैर से क्या होता है। अरे टैडी बैर, ओए दोस्तों मैंने टैडी, ओए अच्छा हो मैंने टैडी बैर नहीं उठाया है, अच्छा हो टैडी बैर नहीं उठाया मैंने, नहीं तो ग्रैनी आके मार देती मुझे। तो दोस्तों मैं ये टनल से पार होके उस तरफ चले जाऊँ, और ये सामने ही लगा रखा है इसने, सामने ही लगा रखा है पागल बुढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल भी रखा हुआ है। ओए तो अभी मैं शॉटगन में लगा दिया है, ऐसे इसके 3 से 4 पार्ट है, मुझे शॉटगन पूरी करनी होगी ताकि ग्रैनी को उड़ा सकूँ मैं। और ग्रैनी जल्दी आ मेरा पीछा करते करते, ताकि मैं दूसरे साइड पहुँच जाऊँ। भैया संभल के भैया, ये आपको लग सकती है, आराम से ग्रैनी आपको फिर मार देगी। और ये क्या हो गया भैया, आपके पैर में लग गया, अच्छा हो निकाल लिए जल्दी। भैया जल्दी करो ये ग्रैनी पागल है, जल्दी आती होगी। ओए ग्रैनी, दोस्तों ग्रैनी आती होगी और मुझे इधर रुकना होगा, इसके लिए थोड़ा रुकना होगा, ये आ रही होगी, पहले जाके मैं अपनी वाटनी लगाना चाहता हूँ। तो दोस्तों मुझे शॉटगन का एक और पार्ट मिल गया, अभी इससे मेरी शॉटगन पूरी हो गई। अभी मैं गोली डाल के ग्रैनी को मार दूंगा। ग्रैनी आजा मैं तुझे मार दूंगा। और ग्रैनी आ गई, ग्रैनी आजा मैं तुझे सीने पे मारूंगा, सर पे मारूंगा, पैर पे मारूंगा, और ये मैंने उड़ा दिया। हारमानım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kezbanım. ग्रैनी को उड़ा दिया दोस्तों मैंने। ओए ग्रैनी अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं सारी गोली लेके जाऊंगा। तो दोस्तों एक गन में सिर्फ एक ही गोली लगती है, मैंने एड़े चाले करके कोशिश किया था 2 गोली लगाने, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी मैं एक गन छोड़ के जाता हूँ और भी चीज़ें कलेक्ट करता हूँ। ओए तो दोस्तों मुझे यहाँ पर पार्ट मिल गया, यह इंजन पार्ट है। तो दोस्तों मुझे कार के पास लेके जाना होगा इंजन पार्ट को, और वहाँ पर कार में लगा के फिर बाद में और भी चीज़ें लगेगी उसमें, पेट्रोल लगेगा, कार की लगेगा, और फिर बाद में पैडलॉक लगेगा, और 3-4 चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, इसको रिंच भी लगेगा ताकि ये टाइट हो सके। तो दोस्तों बहुत मगज मारी है ग्रैनी ने, मुझे अटका रखा है। तो दोस्तों ये ग्रैनी की पुरानी कार है, जिससे ये और ग्रैंडपा जाते थे घूमने, लेकिन ग्रैंडपा तो ये पार्ट में है ही नहीं दोस्तों, ग्रैंडपा को लगता है ग्रैनी ने मार दिया है, और लगता है ग्रैनी ने मार दिया है और अपने सास को भी मार दिया, इधर ही कहीं उसकी सास भी होगी ग्रैनी की। ओए दोस्तों आ गई ग्रैनी। ओए होए मैं आ रही हूँ, मैं आके तुझे सर पे ही मार के तोड़ दूंगी तेरा सर। ओए माँ ग्रैनी आप ढाई से ले ले। दोस्तों मैंने ग्रैनी को फिर से मार दिया, फिर से 2.5 मिनट की छुट्टी मिल गई मुझे। ग्रैनी मैं तुझे बार बार मार के बार बार भागूंगा। ओए ये क्या हो रहा है, बीच में फंस रही है। ओए ग्रैनी फंसती क्यों है मेरे से, ग्रैनी मर के भी मुझे फंसा देती है। ओए दोस्तों मुझे वाटरमेलन मिल गया, इसमें कुछ छुपा होगा। तो दोस्तों मुझे वाटरमेलन, ओ क्या गिर गया, अभी ग्रैनी होती तो आ जाती फटाक से। तो दोस्तों वाटरमेलन मिल गया, और मैं इसमें फोड़ दूंगा वाटरमेलन को, निचोड़ दूंगा। तो दोस्तों वाटरमेलन में से मुझे की मिल गई। A few moments later. हाउस खुल गया मेरा, हाउस खुल गया। अभी ये लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, ऐसे ही एक और चाहिए दोस्तों मुझे, जल्द से जल्द मिल जाए काश। हाँ भैया सही बोले, भैया मुझे ग्रैनी की कहानी सुननी है, ग्रैनी के साथ क्या क्या हुआ। भैया मुझे सुना, मैं तुझे आज
एक कहानी सुनाता हूँ ग्रैनी की, जो कि बहुत खुफिया कहानी है। मैंने इस किताब में से पढ़ी थी। बेचारे ग्रैनी पे क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ ग्रैनी पे, ये गेम वाले तो आप लोगों को नहीं बताए दोस्तों, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ ग्रैनी की कहानी मेरी ज़ुबानी दोस्तों। ये बहुत हार्ड टचिंग कहानी है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ दोस्तों। एक बार क्या हुआ, ग्रैनी और ग्रैंडपा की शादी हुई थी, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन ग्रैनी को नहीं पता था कि उसकी सास उसे मार देगी, उसे ख़त्म कर देगी ग्रैनी की सास। और दोस्तों ग्रैनी की सास बहुत ख़तरनाक थी। और दोस्तों मैं यहाँ कहाँ आ गया, मैं कंटिन्यू करता हूँ थोड़े टाइम में। और ये क्या निकल रहा है, और ये क्या है, और ये तो ग्रैनी की सास है। और मुझे रास पता चल गया, ग्रैनी ने ही अपने सास को मारी थी, ग्रैनी ने ही अपने सास को मारी थी दोस्तों। हाँ भैया, आप ग्रैनी की कहानी बता रहे थे, कंटिन्यू करो भैया। तो दोस्तों एक बार की बात थी कि ग्रैनी की सास ने एक बार उसको मारने की कोशिश की थी ग्रैनी को, लेकिन ग्रैंडपा आ गए थे बीच में। ओए ये मार दी, ओए ये मार दी, मैं कहानी सुनाते सुनाते मर गया। ओए ओए मुन्ना देख क्या हो रहा है तेरे भैया के साथ, ग्रैनी ने मार दी मुझे वापस। तीसरा दिन अभी मुझे पार करना है, पार करना है ग्रैनी का घर। तो भैया फिर से अटक गए आप, मुझे स्टोरी सुनना है, प्लीज़ भैया मुझे सुनाओ। हाँ तो एक बार क्या हुआ था, भैया बार बार एक बार पे मत जाओ, बीच कहानी से सुनाओ। मैं भी पक चुका हूँ एक बार की कहानी। ओए मैं सुनाता हूँ, गुस्सा क्या कर रहा है, गुस्सा क्या कर रहा है मुन्ना। हाँ भैया जल्दी सुनाओ। तो एक बार क्या हुआ था, फिर से भैया एक बार, बार बार एक बार, अभी स्टार्ट करो आप ग्रैनी के सास से। ओए तो क्या हुआ था, तो ग्रैनी की सास बहुत गुस्सा होती थी उस पर, तो ग्रैंडपा भी बीच में आए थे, लेकिन ग्रैंडपा की उसकी माँ ने नहीं सुनी। तो फिर ग्रैनी ने कोशिश किया मारने की अपनी सास को, और फिर उसने मार के लटका दिया। फिर उसके बाद ग्रैंडपा ने देखा कि उसके माँ को उसने मार रही है ग्रैनी ने, फिर ग्रैनी को भी मार दी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है ग्रैनी की इस घर में, और बहुत ख़तरनाक ग्रैनी बन के। और फिर वो ग्रैनी बार बार सब बच्चों को पकड़ती है मेरे जैसे, और अंदर अपने घर के रख देती है। फिर उसके बाद हम सबको भागना पड़ता है, अभी तक आज तक कोई नहीं भाग पाया, लेकिन मैं भाग जाऊँगा वरना मैं भाग जाऊँगा। तो भैया ग्रैंडपा का क्या हुआ। ओए ओए ग्रैंडपा भी ग्रैनी के गम में मर गया, ग्रैंडपा भी इधर ही कहीं दफन होएगा, ग्रैंडपा भी की भी लाश इधर ही कहीं पड़ी होगी। ओए दोस्तों मैं ग्रैंडपा की लाश भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ग्रैंडपा कहाँ चला गया, ये राज पर्दाफाश करूंगा मैं ग्रैंडपा के घर का, ग्रैनी के घर का। हाँ भैया अभी जल्दी करो, ग्रैनी आ गई, मैं स्टोरी सुन लिया, बहुत अच्छे भैया, गोली मार दिया आपने ग्रैनी को। आप कितनी बार गोली मारो, लेकिन ये बार बार जिंदा हो जाएगी। मोटी चमड़ी की है भैया। अरे दोस्तों मैं यहाँ पर गन छोड़ देता हूँ, फिर और सामान लाना है मुझे, यहाँ पर सेफ की भी लाना है, सेफ की मैं यहाँ पर ला के खोल दूँगा, छोड़ दूँगा। अभी मैं दोस्तों गन इसलिए छोड़ के आया कि ग्रैनी अगर मेरे सामने आए तो मैं उसको उड़ा सकूँ, उड़ा सकूँ दोस्तों। और दोस्तों मैं यहाँ पर चिकन रख देता हूँ, चिकन रख देता हूँ ताकि मकड़ी को मैं खिला सकूँ। अभी मुझे फटाफट जाना होगा, सेफ की खोल के वो दरवाज़ा खोलना होगा मकड़ी वाला। और दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया, और फिर ये सिक्योरिटी की खोल दूंगा, सिक्योरिटी लॉक खोल दूंगा। मुझे पहले लगता था ये सेफ की है, लेकिन सिक्योरिटी की है। अभी मैं उसको खोल दिया, और फिर बाद में अभी कोशिश करता हूँ ताकि ग्रैनी आ जाए और मैं वापस उसको गोली मार दूँ। A few moments later. ओए दोस्तों ग्रैनी तो अभी तक आई नहीं, अभी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर जो भी चीज़ रहता है ऊपर उसको तोड़ दूँ। ओए फोड़ दिया मैंने, मार दिया गोली। ओए दोस्तों यहाँ पर मेरी रिंच गिर गई, रिंच बाद में उठाता हूँ, और मैं अभी जा रहा हूँ ग्रैनी के गोली ढूंढने। गोली मिल गई दोस्तों, नहीं तो ग्रैनी आती तो मैं किससे मारता दोस्तों। अभी मैं जा रहा हूँ, ग्रैनी ग्रैनी आ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा नहीं, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा नींबू का जैसा, नहीं छोड़ दूंगा ग्रैनी, जल्दी आ जा। ओए दोस्तों ग्रैनी अभी भी इधर ही पड़ी हुई है, अबे ग्रैनी जल्दी गायब हो जा, जल्दी गायब हो जा, मुझे और भी काम है। ओए दोस्तों यहाँ पर मैं चिकन रखना है मुझे, तो मैं यहाँ पर गन फेंक देता हूँ ताकि बाद में इसको अटका के मार दूँ। और दोस्तों मुझे बहुत दिमाग लगाना होगा,
नहीं तो ये मार देगी। मैं इसलिए स्लो बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये मकड़ी सुन लेगी मेरी बात। अभी मैं जा रहा हूँ चुपके से, यहाँ पर चिकन फेंक देता हूँ, और फेंक दिया मैंने। और दोस्तों आई नहीं मकड़ी अभी तक, आई नहीं। मुझे लगता है उस प्लेट में रखना होगा मकड़ी। वाह ग्रैनी वाह, तूने मकड़ी भी पाल रखा है बड़ी सी, और वो भी खतरनाक, तुझे भी मार देगी वो। और दोस्तों मकड़ी भाग के गई चिकन खाने, अभी मुझे गन लेके उसको शूट करना होगा। ओए मकड़ी तू तो गई ये ले ढाई से। और दोस्तों मैंने मकड़ी को भी मार दिया। दोस्तों ये लाल बटन को कुछ ना कुछ करना होगा मुझे, कुछ ना कुछ। यहाँ पर कुछ है क्या? कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ मिला नहीं मुझे, कुछ नहीं मिला। अभी जा रहा हूँ गोली भर के, मैं उधर भी लाल बटन पे भी ढाई कर दूंगा, और ये ढाई ढाई। तो दोस्तों मकड़ी का भी घर बन हो गया। अगर उसके बच्चे अच्छे रहते तो मुझे काट देते, और दोस्तों इसलिए मैंने घर बंद कर दिया। ओए एक नंबर, मुझे रिंच मिल गई दोस्तों, रिंच मिल गई। और ये अभी गन मैं नीचे फेंक के आऊँगा और फिर रिंच लेके जाऊँगा। ये तो रैप बन गया दोस्तों, गन लेके आऊँगा, गन फेंक के आऊँगा और रिंच लेके जाऊँगा दोस्तों, मैं रिंच लेके जाऊँगा। दोस्तों मेरी रैप आप लोगों को पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बटन तोड़ दो दोस्तों सब्सक्राइब का। और दोस्तों बटन तोड़ दो, तोड़ दो, फोड़ दो बटन सब्सक्राइब का। तो दोस्तों अगर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कोई नया है तो बेल आइकन ऑल पे कर दो दोस्तों, इससे हमारी सारी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, मतलब आप लोगों के सामने आएगी और फिर पसंद भी आएगी दोस्तों। हाँ भैया सही बोले। तो दोस्तों मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है आपके ऑगी से, प्यारे से नन्हे मुन्ने ऑगी से, आप प्यार करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और नए हो तो बेल आइकन दबा देना, ऑल पे कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओए ग्रैनी किधर है? ओए ओए ग्रैनी, ओए माँ गोली लग गई, आई मैंने शूट कर दिया दोस्तों, वापस ग्रैनी को शूट कर दिया दोस्तों। मैंने टोटल 4 बार शूट किया हूँ तो भी ये बार बार उठ के आ जा रही है, पागल औरत। ओए दोस्तों मुझे फटाफट करना होगा काम, नहीं तो ये ग्रैनी आके मुझे वापस मार देगी। ओए दोस्तों जा रहा हूँ मैं गन फेंक के इधर, और फिर बाद में रिंच ले लूँगा, रिंच मुझे बहुत काम लगेगा। ओए दोस्तों मैं आ गया कार टाइट करने, और कार टाइट करने जा रहा हूँ। ओए कार मैं तुझे टाइट करने जा रहा हूँ, खिचिक और ये खिचिक और ये खिचिक और ये चौथी बार खिचिक और ये पांचवी बार खिचिक और ये छठी बार खिचिक। और दोस्तों मैंने सारे टाइट कर दिए, अभी मेरा इंजन भी हो गया। अभी मेरे को कार ढूंढना है, कार की चाबी ढूंढना है दोस्तों। कार तो मिल गई, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। ओए ग्रैनी आ जा, मेरा कुत्तु बराबरी नहीं कर पाएगी ग्रैनी, मैं भाग जाऊँगा। A few moments later. ओए मैं ये ले आया, ओए मैं स्क्रू ड्राइवर ले आया, अभी यहाँ से भी खोल देता हूँ। मुझे स्क्रू ड्राइवर ऊपर से मिला था जब गन से मैंने ढाई किया था, और फिर ग्रैनी आके मेरे को मारने आई थी, और फिर बाद में मैंने स्क्रू ड्राइवर ले लिया। और दोस्तों मुझे एक कार की चाबी मिल गई, ये कार की चाबी है ना, ये कौन सी चाबी है दोस्तों मुझे बता दो, आप कमेंट में लिख के बता दो कि ये कौन सी चाबी है, मैं ध्यान नहीं दे पाया। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने भाई की वीडियो। और ये पैडलॉक की है, मुझे समझ में आ गया था, इसलिए मैं जाके पैडलॉक की, डायरेक्ट पैडलॉक ही खोल दिया अभी दोस्तों। मुझे ये खोलना है और ये आराम से, ओए ओए ये ताकत लग रही थी, बहुत ताकत लग रही थी दोस्तों मेरी। आपके पास तो बहुत ताकत है, आपके 2.5 किलो के हाथ है, 2.5 किलो, 5 किलो के हाथ, तो आपके 5 किलो के हाथ नहीं उठा पाए वो गेट। ओए मुन्ना तू क्या वचन करते रहता है मुन्ना, चल निकल अभी, वट ले कट ले मुन्ना, अभी मैं जा रहा हूँ इंजन की ढूंढने, ताकि मैं वहाँ पर पेट्रोल डाल सकूँ, और मैं ये गिरा दिया ताकि ग्रैनी आ जाए, और ग्रैनी इस तरफ से घूम के आएगी और मैं उस तरफ से भागूँगा। ओए मुन्ना देख ले, ओए यहाँ ड्रॉवर मैंने कुछ देखा था, ड्रॉवर पे मैंने कुछ देखा था, स्पार्क की है, अभी मुझे स्पार्क की ले जाके लगाना होगा दोस्तों, स्पार्क की लगाना होगा, अभी मुझे डर लग गया था। ओए ओए ग्रैनी आ रही है, मुझे भागना होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे छुपना होगा। ओए ग्रैनी क्या पागलों जैसी हो गई है, अब मुझे यहाँ पर छुपना होगा दोस्तों, ग्रैनी नहीं आके मार देगी नहीं तो। ओए दोस्तों मैं वापस आ गया स्पार्क की लेने, स्पार्क की मैं तुझे लेके ही जाऊँगा। हाँ भैया
सही बोले? ओए बीच बीच में क्या बोलता है, ग्रैनी सुन लेगी तो मेरी वाट लगा देगी। तो दोस्तों मैं स्पार्की लेके जा रहा हूँ। ओए स्पार्की लगाने आ गया, किधर लगेगा? ओए लग गया स्पार्की, अभी मैं जा रहा हूँ और जा रहा हूँ और भी कीज ढूंढने, मुझे जल्दी करना है थोड़ा, नहीं तो ग्रैनी आ जाएगी और ये ग्रैंडपा का भी भरोसा नहीं, कहीं से भी निकल के आ सकता है, मुझे इसका भी पर्दाफाश करना है, ग्रैंडपा इधर है कहाँ? तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ बताने आप लोगों को ये टैडी का क्या सीन है। गाइस मैं बताने जा रहा हूँ ये टैडी क्या काम आता है आप लोगों के, और ताकि आप लोग जब खेलो ग्रैनी पार्ट टू पार्ट वन तो आप लोगों को पता चल सके कि ये टैडी किस काम के आता है। तो गाइस अगर ग्रैनी आप लोगों के जितने पास रहेगी तो उतना पास उतना ज़ोर ज़ोर से ये टैडी का हार्ट बीट होएगा, तो इससे पता चलेगा कि आप लोगों को कि ये ग्रैनी इतना पास है। और ये बहुत तेज धक धक कर रहा था और मेरे को भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा दोस्तों, गोली भी नहीं चली ढंग से। ओए ये ग्रैनी आ रही है, ओए मार दी, ओए मार दी मुझे। हाँ भैया आपकी लग गई बात। ओ भैया अभी चौथा दिन है आपका और ग्रहणी आप लोग आपको बहुत बुरा मारी। ओए सही बोला मुन्ना, सही बोला, मैं डर गया था और अचानक मैं लग गया था और वो धक धक बहुत तेज़ कर रहा था इसलिए, और मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। तो दोस्तों आप लोगों को पता चला कि नहीं कि ये टैडी बैर से होता है, टैडी बैर से हार्ट बीट फास्ट होती है। हाँ भैया ध्यान से यहीं पर छुपी होगी, फिर आपको फिर से मार देगी। और दोस्तों मुझे गन लेना होगा, गन मैं लेके फिर वापस गन में गोली भरूंगा और फिर बाद में मैं वापस ग्रैनी को नहीं छोड़ूंगा, अभी मुझे भागना होगा, ग्रैनी आ ही रही होगी। तो दोस्तों बहुत तेज़ है ये ग्रैनी, बहुत तेज़ है। और दोस्तों आखिरकार मुझे एमो मिल गई। और ये माँ गोली लग गई आई। तो दोस्तों अभी मैं एक और एमो लेके जा रहा हूँ और फिर बाद में आप लोगों को बताऊंगा ग्रैंडपा का राज, ग्रैंडपा कहाँ पर मरा था, ग्रैंडपा कहाँ पर मरा था दोस्तों, ग्रैनी को मारने के बाद ग्रैंडपा बहुत टूट ही गया था दोस्तों, और फिर बाद में ग्रैंडपा भी अपनी आत्महत्या कर लिया था दोस्तों। फिर बाद में अभी जा रहा हूँ मैं ग्रैंडपा का राज पर्दाफाश करने दोस्तों। ओए दोस्तों यही दरवाजे में कुछ है मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे ये बहुत मेहनत करके खोलनी पड़ी और ये धान। तो दोस्तों ये दरवाज़ा खोल रहा हूँ मैं, दरवाज़ा खोल रहा हूँ। ओए दोस्तों अंदर और देखना होगा क्या होगा सामान। ओए ये क्या है? ओए दोस्तों ये ग्रैंडपा है, ग्रैंडपा है मर चुका है इधर ग्रैनी के लिए। तो दोस्तों ये ग्रैंडपा था, मैं आप लोगों को बता दिया कि ग्रैंडपा की मौत कैसे हुई, वो परेशान होकर खुद ही मर गया और गिल्ट में मर गया वो, क्योंकि उसने ग्रैनी को मार दिया था और ग्रैनी ने उसकी माँ को मार दी थी इसलिए उसने मारा था। ओए दोस्तों मैं आ गया, अभी इधर लगा दूंगा, ये लग जा। ओए लग गया, अभी दोस्तों मैं धीरे धीरे करके ये निकाल लूँगा और कुएं में से भी कुछ सामान मिल जाए काश, ताकि मैं फटाफट एस्केप कर सकूँ। दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, पूरी वीडियो देखो। ग्रैनी की मैंने कहानी बताया, ग्रैंडपा की कहानी बताया, किसी ने ये कहानी एक्सप्लेन नहीं किया होगा दोस्तों। हाँ भैया सही बोले, किसी ने नहीं किया है, कोई यूट्यूबर ने नहीं किया ये कहानी एक्सप्लेन, आपके पास ये ग्रैनी ग्रैंडपा की स्टोरी। ओए दोस्तों मुझे ये लेके जाना होगा और चीज़ें खोलनी होगी जल्दी जल्द, और ये ग्रैनी नीचे साइड चली गई, बहुत अच्छे। A few moments later. ओए दोस्तों मैं आ गया, मैं इसे निकाल दूंगा ये प्लैंक, ये भी निकल जा। आवाज़ हो गई दोस्तों, ग्रैनी आ रही होगी, मुझे थोड़ा जल्दी करना होगा, ये भी खोलता हूँ, इसमें कुछ सामान। ओए मिल गया, और ये मिल गया, ये तो हाउस में लगेगा, प्ले हाउस में लगेगा दोस्तों, ये तो प्ले हाउस में लगेगा। अभी मैं जाके फटाफट प्ले हाउस में ये लगा दूंगा दोस्तों। मुझे ओए ग्रैनी आ गई, अभी मुझे फटाफट जाना होगा। ओए दोस्तों मैं प्ले हाउस में आ गया और ये लगा रहा हूँ, और ये लगा दिया। और दोस्तों मुझे वेपन की मिली, वेपन की गाइस मेरे पास पहले से ही थी वेपन, एक शॉटगन थी, लेकिन तो भी मैं ले लेता हूँ, काम आएगी वो। 2 hours later. अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं ये ले लेता हूँ और ग्रैनी को मारने में काम आएगा दोस्तों, काम आएगा दोस्तों। इसमें दवा रहता है कुछ भी होश होने का, ग्रैनी कुछ टाइम। ओए आ गई और एक हचक मार दिया, और मैंने मार दिया, 2.5 मिनट के लिए भी होश हो गई, और 2 मिनट के लिए भी होश हुई। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि ये वेपन से 2 मिनट के लिए ग्रैनी बेहोश होती है, और जो शॉटगन रहती है उससे 2.5 मिनट के लिए बेहोश रहती है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा लेकिन मैंने बता दिया। तो गाइज आज मैंने 4 रास पूरे कर दिए।
और आपको पूरी वीडियो देखनी होगी गाइस कि कैसे मैं एस्केप करता हूँ। मैं तो एस्केप करके रहूँगा दोस्तों। मैं यहाँ पर ये पंखे का काट देता हूँ और एक अटैक कट गया दोस्तों। यहाँ पर ये मैं सेफ की लेके जाता हूँ, सेफ की भी मुझे बहुत काम आएगी गाइस। मुझे डर लग रहा है कि ग्रैनी आ ना जाए अचानक से। हाँ भैया सही बोले, भैया जल्दी करो, दो मिनट के लिए ही ग्रैनी निकल ली है, फिर आ जाएगी। बोल रहा है, सही बोल रहा है मुन्ना, सही बोल रहा है तू, सही बोल रहा है। मुझे जल्दी से जल्द निकालना होगा, मुझे डर लग रहा है इस पे से। ओए ग्रैनी जल्दी आ, मैं ये पार करके ही छोड़ूंगा। ओए मुन्ना मैं आ गया सेफ की के पास, सेफ लॉकर के पास। ओए मिल गया, ओए की मिल गया, ओए मुझे कार की मिल गया। अब मैं लेके भाग जाऊंगा और ये लेके भाग जाऊंगा और ये मैं खोल रहा हूँ और ये खुल गया। और ये कौन सा मास्टर की, मास्टर की मेरा कोई काम का नहीं है। और पेट्रोल गैसोलीन मैंने इधर कहीं रखी थी, गैसोलीन किधर है? ओए मिल गई गैसोलीन, मिल गई। अभी मैं जा रहा हूँ गैसोलीन भर के फटाफट और मैं कार से निकल जाऊँगा दोस्तों, और कार से निकल जाऊँगा। ग्रैनी अभी तक भी होश है गाइज। मैंने कम से कम 6 से 7 बार ग्रैनी को मारा है, बहुत खतरनाक गेम खेला है मैंने यार। ग्रैनी प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई लोग, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करो दोस्तों। अभी मैं निकलता हूँ, ये कार की चाबी लेके मैं निकलता हूँ। ये साइड से नहीं हो पाया, दूसरे साइड से निकलता हूँ दोस्तों। ये क्या बोल रहा है, रिवर्स लेने, रिवर्स लेता हूँ मैं। लगता है इसको तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, नींबू का जैसे निचोड़ना पड़ेगा दोस्तों। और ये फिर से फॉरवर्ड लेता हूँ, ओए, और ये रिवर्स ले लिया मैंने, और ये दीवार तोड़ दिया मैंने, या मैंने तोड़ लिया। ओए ग्रैनी का पोपट हो गया। ओए ग्रैनी तेरा क्या होगा, मैं जीत गया ग्रैनी। यो 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 ग्रैनी ग्रैनी। हाँ भैया ढिंचक ढिंचक भैया, दिन ढिंचक भैया, आप जीत गए। ग्रैनी का पोपट हो गया, ग्रैनी का मुंह तो देखने लायक है। हाँ हाँ मुंह देख लो, मेरा मुंह देख लो सालो, भाग गए, भाग गए। अभी मैं नहीं छोड़ूंगी अगली बार तुम लोगों को साले लोग।